हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन और आपके मैसेजेस एक दूसरे के लिए। अभी इस वक्त आप अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हो और आपके पर्सन उसका क्या रिप्लाई दे रहे हैं, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। सो शुरू करते हैं गाइस। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स के मैसेजेस होंगे राइट साइड में और आपके पर्सन के लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इन दोनों डेक से वन बाय वन हम लेंगे कुछ मैसेजेस। शुरू करते हैं। ये है आपके मैसेजेस और ये आपके पर्सन के मैसेजेस, ठीक है। ये हैं आपके मैसेजेस और ये आपके पर्सन के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी तरफ से पहला कार्ड हमारे पास है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन को ये बताना चाहते हैं कि या तो आपकी नौकरी लग गई है, या तो आपको बिज़नेस में कुछ आपने शुरू किया है, कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हो। मतलब अपने फाइनेंशियल लाइफ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, आपने अपने आप को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है रिसेंटली या कर रहे हो, ये मैसेज आप अपने पर्सन को देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि आप चाहे कितने भी बिज़ी हो, बट आप अपने लाइफ में बिज़ी होते हुए भी अपने पर्सन के लिए वक्त निकालते हैं। बट जब आपके पर्सन बिज़ी होते हैं तो क्या वो आपके लिए समय निकालते हैं, ये यहाँ पर वाइब्स है। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम बिज़ी हो, चाहे तुम मुझे समय दो, चाहे तुम मुझे समय ना दो, तुम मुझे अपने आप से कंपेयर मत करो, क्योंकि मैं मुझे स्टैंड लेना है या मुझे इस रिश्ते में क्या एक्शन लेना है वो मुझे पता है, तो मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मतलब इनका जो जवाब है वो आपको थोड़ा खल सकता है, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जवाब ये आपको दे रहे हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट मैसेज है, आपको ऐसा लगता है कई बार कि शायद आपके पर्सन आपसे सीधे मुंह बात ही नहीं करना चाहते, या इनको सीधे मुंह बात करने आता नहीं है, ये हमेशा कभी प्यार से बात करेंगे, कभी बिल्कुल हर्ट कर देंगे, जैसे कि कोई तीर चुभो दे, अपनी बातों से ही ये आपको तीर चुभो देते हैं। तो आप अपने पर्सन को इस तरीके के रिप्लाई कर रहे हो कि यार तुम कभी तो मुझसे सीधे मुँह बात किया करो, हमेशा तुम्हारा जवाब ऐसा होता है जो दिल को दुखा दे, इस तरह की एनर्जी है। इसके जवाब में आपके पर्सन आपसे रोमांटिक बातें कर रहे हैं, ये आपकी बात को वैल्यू कर रहे हैं और ये कहेंगे अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो मजाक किया, इस तरीके से ये बातों को घुमा सकते हैं। लेकिन आप नहीं भूल रहे हो, आप अभी भी गुस्सा हो, नाराज़ हो, कोई बात इन्होंने ऐसी बोली है जिसके बाद आपका जो गुस्सा है वो शांत नहीं हो रहा, आप इन पर और टॉन्ट कस रहे हो। आप इनको बोल सकते हो कि चलो चलो सब पता है, दिखावा मत करो, नगली का प्यार है तुम्हारा, धोखा दे रहे हो तुम मुझे, प्यार वार नहीं करते हो, कुछ दिखाते नहीं, कुछ आप बताते नहीं लोगों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, क्या बताया मेरे बारे में किसी को, क्यों हाइड किया अगर इतना प्यार करते हो तो। यहाँ पर आपके पर्सन को भी अंदर से जो उनकी एम्परर एनर्जी है वो जाग रही है। मतलब आप उन्हें पोक कर रहे हो, आप उन्हें गुस्सा दिला रहे हो और आपके पर्सन जो है अब ईगो में आ रहे हैं कि अच्छा मैं नहीं बता सकता, अच्छा मैं नहीं दिखा सकता, अच्छा मैं प्यार नहीं करता, इस तरह की वाइब्स है, समझ रहे हैं। यहाँ पर आपका या तो इनका किसी एक का मूड तो ख़राब है जिसके कारण चीज़ें बिगड़ रही हैं और आप इस वक्त ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो, ऐसा लग रहा है कि आप रेडी टू फाइट वाली एनर्जी में हो, आपने अपने अंदर बहुत कुछ भर कर रखा है और अब आप सब निकाल देना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ खोने का डर नहीं है, मुझे जो बोलना होगा मैं तो बोल के ही रहूँगा या बोल के ही रहूँगी, ये वाली वाइब्स है जिसके कारण आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरह से बीच बीच में मनाने की भी कोशिश कर रहे हैं और सडनली ये बहुत रिएक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं इन अ नेगेटिव वे।
यहाँ पर अगर आप गुस्सा हो तो आपके पर्सन आपको मनाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है अभी इसका मूड ख़राब है, थोड़े टाइम में शांत हो जाएगी या हो जाएगा। ये आपको इवन ये भी बोलेंगे कि शांत रहो, आराम से बात करो, इतना गुस्सा ठीक नहीं है सेहत के लिए। इस तरीके से ये आपको काम डाउन करने की वाइब्स में है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप भी इनकी बातों को सुन रहे हो, इनकी बातों को प्रायोरिटी दे रहे हो। जैसे जैसे ये आपको शांत करा रहे हैं, ये आपको उल्टा पलट के जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपको इन पे आ रहा है प्यार। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पर्सन मुझसे प्यार करता है या करती है, मैंने इतना इसको बोल दिया, इतना सुना दिया, उसके बावजूद इसने पलट के जवाब नहीं दिया, गुस्सा नहीं किया मेरे ऊपर, जिसके कारण आपका जो गुस्सा है वो शांत हो रहा है। और आपके पर्सन अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ सिचुएशंस एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको इन पर सिंपैथी आए। आप इनको ऐसा कहो कि ओ मेरा पर्सन इतना परेशान है और मैं इससे झगड़ा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये चीज़ें इनके अंदर हैं बाय बर्थ, मतलब ये जो एनर्जी है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपके दिल में जो है वो आप बोल दे रहे हो, लेकिन आपके पर्सन मैनिपुलेटिव एनर्जी में है, ये वाली एनर्जी है। ये सोचते हैं कि आपको थोड़ा सा कुछ बोल कर, थोड़ा सा आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताकर मैनिपुलेट कर ले, ठीक है। देन वी हैव आपकी तरफ से, आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो, कभी सडनली आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हो इन अ पॉजिटिव वे, या सडनली आप की जो एनर्जी है वो फ्लक्चुएट कर रही है। आपको ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द हो, चीज़ें क्विक हो, और आपके पर्सन कह रहे हैं कि होप रखो, समय आने दो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस तरीके की वाइब्स हैं और इस तरीके की कन्वर्सेशन यहाँ पर निकल कर आई है। बॉटम ऑफ द डेक से अगर मैं बात करूँ तो बॉटम ऑफ द डेक से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, और आपके पर्सन की तरफ से बॉटम ऑफ द डेक की बात करें सो वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन भी सिचुएशन को बिगाड़ने के मूड में नहीं है, बैलेंस आउट करने के मूड में है, तो ये अच्छी वाइब्स है। लेट्स चेक सम कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो। आपकी तरफ से पहला कार्ड है वर्क ऑन योर कनेक्शन। आप चाहते हो कि आप चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी सुन लो, बट आप रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आप इस रिश्ते में जितना एफर्ट डाल रहे हो उतना ही आपके पर्सन भी एफर्ट डालें। इसके जवाब में आपके पर्सन फ्लर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपको चिढ़ा सकते हैं, या आपको ये बोल सकते हैं कि नहीं सिर्फ तुम ही प्यार करती हो या करते हो, और मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। इससे आपको गुस्सा और आ सकता है इनकी ये बात सुन के। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, डेफिनेटली आपके पर्सन जो है वो आपको चिढ़ा रहे हैं और आप भी इनकी बातों से चिढ़ के जवाब दे रहे हो। आप इनको ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि दूर की सोचो, बहुत ज़्यादा हवा में मत रहो। तुमको क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारी लाइफ में तुम बड़ा फ्लर्ट बने हो, मेरे पास भी बहुत ऑप्शंस हैं। तो आप इनकी बातों से जेलस हो रहे हो और चिढ़ के रिप्लाई कर रहे हो। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं अच्छा कौन है, ज़रा हमें बताओ कौन है, आते हैं देखते हैं कौन है। तो इस तरह की वाइब्स है गाइस, काफ़ी फनी कन्वर्सेशन मुझे दिख रही है यहाँ पर। रीचिंग कंक्लूजन, आप इनको कह रहे हो कि तुमको कुछ आता तो है नहीं, बस बातें बनाने आती हैं, तुम कुछ कर तो सकते नहीं हो, कंक्लूजन्स पे आओ। और आपके पर्सन कह रहे हैं कि अरे यार जो है जो प्रेजेंट में है, अपने पैशन को जियो, मस्त रहो, इतना टेंशन मत लिया करो। तो ये वाली वाइब्स है गाइस। तो इस तरीके से आपकी कन्वर्सेशन यहाँ नज़र आ रही है। अगर ये कन्वर्सेशन ऐसी ही है आप लोगों के बीच में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, आपकी एनर्जी से रेजोनेट हुई हो, तो समझ लें कि आपके पर्सन के जवाब भी इस तरीके के हो सकते हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।